welcome back student we continued our question answer on second chapter of geography globe latitude and longitudes class 6 in previous video we discussed about very short question and short question today we discuss about long answer question okay the first question is name and explain in brief about three heat zones of the earth uh, as you know three heat zone torrid zone temperate zone and freeze zone so now we write here temperate zone first temperate zone temperate zone means moderate that is area of it between tropic of cancer to arctic circle in northern hemisphere and tropic of capricorn in the antarctic circle in the southern hemisphere or their sun rays are always slanting that's why that is moderate in moderate temperature all over the year second is torrid zone torrid means hot the area of that is between tropic of cancer to tropic of capricorn or it receives direct sun that's why here very hot days are present then last or third is freeze zone freeze means cold it is between arctic circle to north pole and in, in the uh, northern hemisphere and the in southern hemisphere antarctic circle to south pole तो यहां पे क्या होगा हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है सूरज की रोशनी नहीं आती है ठीक अब सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन यूजफुलनेस एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इसका यूज भी बताना है और इंपॉर्टेंस भी बताना है तो पहला है इंटरनेशनल डेट लाइन देखिए द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन is the प्राइम meridian एंड इज नंबर्ड एट जीरो डिग्री the हाफ ऑफ of लाइन इज is 180 longitude लॉन्गिट्यूड एंड इज कॉल्ड इंटरनेशनल line अब क्या बोलता है इसका यूज क्या होता है तो इंटरनेशनल डेट लाइन है तो मेरिडियन के हिसाब से प्राइम मेरिडियन के हिसाब से 180 तो ये क्या होगा इंटरनेशनल डेट लाइन सभी के लिए एक ही जैसा होगा उसके बाद दूसरा होता है ग्लोब तो ग्लोब को हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल ऑफ अर्थ और इट मॉन्टेड ऑन द एक्सिस एंड कैन स्पीन जस्ट लाइक द अर्थ सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिलेड झुका हुआ है एक्सिस ऑन ग्लोब टू इज सोवन एज द सेम मैनर अर्थ का ये मॉडल है अर्थ देखिए अर्थ तो बहुत बड़ा है तो उसके एक ही भाग को देख सकते हैं तो ग्लोब का मॉडल रहने से क्या होता है हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं उसके दोनों भाग को हम घुमा करके देख सकते हैं कहाँ ओशियन है कहाँ माउंटेन है सब तो अर्थ के स्टडी करने के लिए ये मॉडल या ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है अब उसके बाद आता इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टाइम अलोंग विथ 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हिच इज फॉलोएड ऑल ओवर द इंडिया ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही समान रहेगा और ये कहाँ से पास होता है मिर्जापुर नियर अलाहाबाद ये आपको मालूम है इसके बाद आ, आपका आता है डिफ्रेंसिएट बिटवीन देम तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम में पहला है नॉर्थर्न हेमीस्पेयर साउथर्न हेमी एस्पेयर टेम्परेट जोन फ्रीज जोन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम तो फर्स्ट इज नॉर्थर्न हेमीस्पियर एंड साउथर्न हेमीस्पियर अगर आप अर्थ को बांट दीजिएगा तो दो भाग में हम उसको कहते हैं ऊपर वाले नॉर्थ और नीचे वाले साउथ उसी को बता रहा हूं मैं नॉर्थर्न हेमीस्फेयर नॉर्थर्न हेमी स्पेयर इज ऑल इज दॉर्थर्न साइड पार्ट फ्रॉम द इक्वेटर इक्वेटर से ऊपर की ओर आप चले जाइए तो वो नॉर्थ और साउथर्न हेमीस्पियर साउथर्न हेमीस्पियर इज द ऑल साउथर्न साइड पार्ट फ्रॉम द इक्वेटर इक्वेटर से अगर साउथ नीचे की तरफ आएंगे तो वो साउथ हो जाएगा यही होता है नॉर्थर्न हेमस्पेयर में और साउथर्न हेमीस्पियर में इंडिया का जो ज्यादा से ज्यादा भाग है वो ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थर्न हेमस्पेयर में चलिए टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन में अंतर बताना है आपको टेम्परेट जोन इज ऑलवेज टेम्परेट जोन इज ऑलवेज इन मीडियम क्लाइमेट इन नॉर्थर्न हेमोस्फेयर इट लाइज बिटवीन ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ एंड सिक्सटी सिक्सटी टू देखिये यहां पे ये सिक्सटी सिक्स है ये ये सिक्सटी सिक्स है ओके ट्वेंटी थ्री हाफ नॉर्थ एंड सिक्सटी सिक्स हाफ हाफ नॉर्थ इन साउथ हर्थ हेमी स्पेयर इट लाइज बिटवीन ट्वेंटी थर्ड हाफ साउर्थ एंड सिक्सटी सिक्स हाफ साउथ साउथ की तरफ में तो इसीलिए ठीक है टेम्परेट जोन आप समझ गए नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर उसकी देखेंगे तो ट्वेंटी थर्ड हाफ नॉर्थ एंड सिक्सटी सिक्स हाफ नॉर्थ और, हाँ और साउथ हर्द में आएंगे तो वही ट्वेंटी थ्री हाफ साउथ एंड सिक्सटी सिक्स हाफ साउथ अब फ्रीज़ जोन। इट इज़ कवर्ड स्नो। हमेशा इन हेमी एस्पेयर ठीक है लोकल टाइम में अंतर बताना है और स्टैंडर्ड टाइम में लोकल टाइम आप जानते हैं सभी का अलग अलग होगा इच मेरिडियन विल हैव इट्स वन स्पेसिफिक टाइम विच विल बी डि डिफरेंट फ्रॉम ट ऑफ दी अदर दिस टाइम इज कॉल्ड लोकल टाइम हर एक जगह के लिए अलग अलग होगा इसीलिए अब स्टैंडर्ड टाइम ए यूनिफॉर्म टाइम फॉर प्लेस प्लेस इज इन अप्रोक्सीमेटली दीम लॉन्गिट्यूड स्टेबलाइज इन ए कंट्री और रीजन बाय लॉ और कस्टम इंडिया की बात करेंगे तो एटी टू हाफ डिग्री ईस्ट दैट पासिस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद वो एक समान होता है उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं तो ये लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर किया स्टैंडर्ड टाइम रहने से आसानी से हमें एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे काम में मदद मिलती है उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है इसमें वो बता रहा है क्या कि वाई इज सो कॉल्ड टेम्परेट का मतलब ही क्या हुआ मॉडरेट तो मॉडरेट हुआ इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन व्हाट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम दी टॉरिड जोन टॉरिड तो में अभी क्या था जस्ट अभी हम लोगों ने यहां पे पढ़ा टॉरिड जोन टॉरिड जोन इधर ये टॉरिड जोन यहां हमने पढ़ा क्या हो रहा था यहां पे कि बर्फ जमा हुआ रहता था, था और बर्फ जमा हुआ रहता था टॉरिड जोन में क्या होता है कि बिटवीन आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल हेमी एंड साउथर्थ हेमी एंड एंटार्कटिक सर्किल टू साउथ पोल मीन्स तो कोल्ड इन बिटवीन आर्कटिक सर्किल नहीं टॉरिड जोन ये रहा टॉरिड जोन इस मीन्स मिन, दैट द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और डायरेक्ट सन रे मतलब यहां पे क्या होगा बहुत ज्यादा हीट मिलेगा आपको डायरेक्ट सन रे है तो हीट बहुत ज्यादा मिलेगा गर्मी बहुत ज्यादा होगी और यहां पे क्या बोलता है डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट तो टेम्परेट का मतलब हो गया मॉडरेट वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा नौ ज्यादा गर्मी होगी और टॉरिड में क्या होगा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये आपका रहा उसके बाद बोलता है कि अर्थ इज एस्फेरिकल इन सेप कॉन्स्टेंटली मूविंग एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ जो मूव करता है तो कैसे हम जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्थिर रहता है कोई भी कहाँ देखते हैं कि अर्थ के मूव करने के कारण वो चेंजेज होता जाता है यो, या घूम जाता है ओके ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच